बाद बैंगलोर में मेरी पूरी फैमिली थी, तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई. बैंगलोर में फिर इमिडिएटली मतलब मेरे को एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जॉब मिल गई थी एक रियल एस्टेट कंपनी में. तो वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी थी, उसमें मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को बहुत डाइवर्स अपने अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला. तो वहीं पे मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर में पूरे स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर सीखे, पूरे तो नहीं, स्कैड प्रो हो गया, ई टैब्स हो गया, ये सब सीखा. वहाँ से ऑटो कैड एंड रेबिट मॉडलिंग सब मेरे को वहाँ पे. एक गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं सेल्फ यूनिक गाइस पॉडकास्ट की सीरीज में. आप लोग बहुत ढेर सारा उसको प्यार कर रहे हैं, हर एक बच्चे का पॉडकास्ट आप सबको अच्छा लग रहा है. आज ऐसे ही अपने एक एक्स स्टूडेंट्स के साथ आपके साथ यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि निधि चौधरी है. सी इज़ वर्किंग इन गुड MNC और सी इज़ वर्किंग एज ए बी मॉडलर. इनका करियर काफ़ी लर्निंग के लिए अच्छा है, क्योंकि इन्होंने पहले स्ट्रक्चर्स के तौर पे अपने करियर को स्टार्ट किया, फिर ऑटोकैड में करियर स्टार्ट किया, फिर मूव ऑन किया था. तो मूव ऑन का प्रोसेस कैसा रहा, थोड़ा डिफिकल्टीज तो डेफिनेटली हुई होगी, ये सब डिटेल में समझेंगे. ये भी समझेंगे कि बी मॉडलर के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे हम उनको कैसे हम उसके अप्लाई कर सकते हैं, उन कंपनी में कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर ओपनिंग निकली है कि नहीं निकली है, फिर भी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस. बहुत ही मज़ा आने वाला है. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके आपके अपने कोई प्रश्न रह जाएँ तो भी क्वेश्चन पूछना, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि हाँ अभी हमें इस चीज़ों पे भी आगे बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं. साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप और कौन सी प्रोफाइल के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, सो दैट हम लोग आगे वो भी मेंशन करें. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले निधि, आपको बहुत बहुत वेलकम है यूनिक्स विल के इस प्लेटफॉर्म पर, वो भी पॉडकास्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा आपका वेलकम है. थैंक यू सर. ओके निधि, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए लोगों को, लाइक व्हाट्स योर लाइक क्वालिफिकेशंस एंड हाउ स्टार्ट योर करियर एंड राइट नाउ व्हाट यू डूइंग. श्योर सर. तो सबसे पहले मेरा 2020 में बीटेक ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर गुजरात से किया था मैंने, फिर उसके बाद बैंगलोर में मेरी पूरी फैमिली थी तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई. बैंगलोर में फिर इमिडिएटली मतलब मेरे को एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जॉब मिल गई थी एक रियल एस्टेट कंपनी में. तो वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी थी, उसमें मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को बहुत डाइवर्स अपने अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला. तो वहीं पे मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर में पूरे स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर सीखे, पूरे तो नहीं, स्कैड प्रो हो गया, ई टैब्स हो गया, ये सब सीखा. वहाँ से ऑटो कैड एंड रेबिट मॉडलिंग सब मेरे को वहाँ पे पूरा बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला. तो मेरे को उस एक्सपोजर से ये पता चला कि मैं ऑटो कैड में कितनी अच्छी हूँ, मेरे को कितना मन लग रहा है उसमें काम करने का, रेबिट में क्या फ्यूचर हो सकता है. और उसी में अब क्योंकि छोटी कंपनी है तो वहाँ पे इतने सारे लोग होते नहीं है हमें एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को. तो फिर मैं YouTube पे ढूंढ रही थी तो तब मेरे को मतलब यूनिक सिविल से मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि वो टाइम पे स्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से सीखा. फिर देन बिम में भी मैंने वहीं से ही अपने आप को इस बिम में लेके आई मैं. एंड देन फिर हैदराबाद ड्यू टू सम रीजन मेरे को हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा. तो हैदराबाद में दूसरी कंपनी में मैं गई जिसमें एज ए कैड इंजीनियर यहाँ पे मैं गई. यहाँ पे मैंने 2 साल कैड इंजीनियर पूरा ऑटो कैड पूरा सीखा. यहाँ पे रेविट में भी एक्सपोजर था मेरे को. तो इतना करने के बाद अभी 2 कंपनी में काम करने के बाद मुझे इतना तो फिक्स हो गया था कि मेरे को रेविट अच्छा लग रहा है, इसमें मेरे को काम करना, मेरे को आगे और इसमें काम करना चाहिए. तो फिर मैंने फिर आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि ठीक है जब तुम्हारा इसमें मन लग रहा है तो बिम का जो आपका कोर्स है ओवरऑल वो सीखो. उसमें से फिर मैंने बहुत अच्छे से रेविट सीखा. उसमें रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MEP सब का मेरे को एक्सपोजर मिला. एंड देन उसके थ्रू ही अभी मतलब एक दूसरी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है और अच्छा है. उसमें भी मतलब इस कंपनी में भी मेरे को हर चीज़ में बहुत अच्छी कंपनी है. मैंने उनके मॉडल्स देखे सर कैसे करते हैं, सो यूनिक डिजाइंस में वो लोग काम कर रहे हैं. तो मतलब मेरे को तो अच्छा ही है, मेरे को बहुत आगे वो मिलेगा. तो डेफिनेटली सीखने मिलेगा. और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि देखो कि जब आप प्रोफाइल को जब आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट? और कैसे आप लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफ़ी अच्छा इनका सैलरी पैकेज इनको अभी रिसेंट में मिला हुआ है. और डेफिनेटली मिलने का रीज़न क्या है कि आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके और उन चीज़ों का एड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी. और पहले तो आपने निधि जो स्टार्ट किया तो स्ट्रक्चर गुरुकुल से स्टार्ट किया था, राइट? हाँ. तो स्ट्रक्चर गुरुकुल में भी आपने बहुत कुछ सीखा था. पहले हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, बाद में बीम गुरुकुल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रक्चर गुरुकुल में आपने शायद आप पहले स्टेट वर्किंग थे, बट स्ट्रक्चर गुरुकुल में आके आपको आपने क्या क्या लर्न किया था, क्या क्या सीखा था, पहले उसके बारे में बताओ.
हाँ सर, तो पहले उस कंपनी में जिसमें मैं रियल एस्टेट में थी, वहाँ पे मेरे को स्टार्ट प्रो में काम करना था। अब बिल्कुल सर, कॉलेज से निकले हुए बच्चे, उनको कहाँ आता है सर स्टार्ट प्रो, सब कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे सीख रहे, यूट्यूब से सीख रहे, ये सीख रहे, वो सीख रहे, कोई प्रॉपर गाइडेंस कुछ भी नहीं था। सो फिर ब्राउज करते करते मेरे को यूनिक सिविल, मैंने आपसे बात की वो टाइम पे, और वो ना एक इंसान ढूंढ रहा होता है कोई गाइड मिल जाए, मुझे गाइड कर दे क्या सीखें, कहाँ से सीखें। तो वो टाइम पे फिर मैंने, आपने बोला कि, और वो टाइम शायद ये बिम जो गुरुकुल था वो शुरू ही हो रहा था शुरू ही हो इनिशियल, रहा था। यस हाँ, यस तो उसी में ही थी, उसी में ही ज्वाइन किया था फिर मैंने। तो उसमें सर, उसमें स्टार्ट प्रो पे सीखा, स्टार्ट प्रो, ई टैक्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया ना सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने का कोर्स था सर, 4 महीने में मैंने इतना सीख लिया था उसमें, कि अभी वहां पे लोग मेरे से डाउट पूछने आते थे कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को आता था, एक बहुत अच्छे जिन्होंने इस पे काम करके रखा है उनसे सीखने का सर मतलब अलग ही हो जाता है पूरा, आपको आने लगता है उसमें, हाथ बैठ जाता है। सो उसमें ऑटो कैड सीखा, स्टार्ट प्रो सीखा, ई टैब सीखा, RCDC सीखा, एंड देन उसी में ही आपने रेबिट भी सिखा दिया था हमें, कि करेक्ट, एज अ काम करना कि सिखा दिया कि आपको हाँ जरूरत जितना हो वो हाँ काम हो जाएगा। वो भी सिखा दिया। बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, छोटे प्रोजेक्ट से हमने स्टार्ट किया था, डुप्लेक्स करेक्ट करेक्ट वहां से स्टार्ट किया, एंड देन मल्टी स्टोरी तक आप हमें मॉडल पूरा करने का यस सिखा के यस गए थे। फिर स्टार्ट डायनेमिक प्रो में, एनालिसिस हाँ, डायनेमिक एनालिसिस हो गया, लोड्स ऐड करने हो गए, फिर उसका जब क्या रहता है ना सर, इनिशियली मॉडल ये सब तो यूट्यूब से इंसान फिर भी धीरे धीरे करके एक सीख महीने लेता है, जितना एक करके सीख ले, लेकिन उस रिजल्ट का करना क्या है करना क्या है। वो नहीं पता चलता है सर, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो सीखा मेनली मेरे लिए, तो वो बहुत ही एकदम वरदान जैसा था कि उस रिजल्ट का क्या करूं मैं तो इतना सोच रही थी कि फिर उसके बाद फिर मतलब सीखा कि क्या करना होता है। फिर उस जो आपके पास रिजल्ट आया है स्टार्ट प्रो का, उसको करेक्ट ऑटो कैड में ले जाके या RCDC में ले जाके एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग कैसे बनती है, तो इनिशियल से लेके एंड तक मैंने, मेरे को बहुत हेल्प हुआ था सर उससे। तो इनफैक्ट मेरे करियर में भी वहां पे मेरे को बहुत अच्छा, वहां पे भी प्रमोशंस मिलने मतलब लग रहा था। एंड देन उसके बाद तो हाँ, स्ट्रक्चर गुरुकुल से तो मेरे को ये यस। बेनिफिट वैसे हुआ। स्ट्रक्चर गुरुकुल की जो बैचेस होती हैं वो कम चलती है, मीन्स 4 मंथ में एक ही चलती है। अभी नेक्स्ट जो चलने वाली है नवंबर में चलेगी, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो किस डेट को, भी डेट भी अनाउंस नहीं हुआ बट अप्रॉक्स नवंबर के लास्ट में चलने वाली है। तो वहाँ से आप कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीख सकते हैं। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर्स में अपना करियर अच्छा किया ही डेफिनेटली, और फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली एक अच्छे पैकेज के साथ कैड इंजीनियर के तौर पर वर्क करने का, एंड सी इज़ वर्क देयर। एंड वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा किया, बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद स्टक हो जाता है प्रोफाइल, और शायद आपके साथ हाँ भी ऐसा ही हुआ था। सर, तो फिर आपको लगा कि हाउ कैन वी गेट मोर, राइट। अभी करेक्ट मैं थोड़ी देर पहले एक हमारा एक पॉडकास्ट हो रहा था बहुत ही अच्छा, रशिका के साथ, रशिका कदम, सीजन आर्किटेक्ट, एंड सी इज़ वर्किंग इन अ गुड कंपनी इन मुंबई, एंड मोर देन 7 लाख सी इज़ गेटिंग द पैकेज। ठीक है, तो अब उसका रीज़न क्या है कि एंड व्हेन सी वाज स्टार्टेड द गुरुकुल बेस निधि, एंड सी वाज सीज पैकेज वाज अप्रॉक्स 3 के आसपास था, नाउ सी इज़ गेटिंग डबल मोर देन दैट। तो कहीं ना कहीं लर्निंग का बड़ा अप्रोच रहता है, और डेफिनेटली आपने भी देखिए कि बीम में थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव लिया, और उसका आप थोड़ा सा बीम गुरुकुल के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे एज ए कैड इंजीनियर में थी सर, आपने जैसा बोला बिल्कुल सही बोला, इंसान स्टक हो जाता है कि ठीक है हमने काम सीख लिया है, कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है वहां भी, लेकिन अब आगे क्या, एज ए कैड इंजीनियर अब आगे क्या करें। आप ऑटो कैड पे ही काम कर रहे हैं, वहां पे अब जब और कोई वहां पे आपका एक्सपोजर नहीं है, अब आपने सीख के आपको यही करते रहना है पूरे टाइम। सो आई फील वेरी स्टक। मैंने आपसे बात भी की थी वो टाइम कि सर कुछ है ही नहीं करने का, मैं क्या करूँ, ऑटो कैड मेरे को आ गया बहुत अच्छे से, मैं कॉलेज टाइम से कर रही हूँ, 5 साल सीख लिया, टोटल 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ, 4 ईयर्स। सो सीख लिया, अब आगे क्या। तो फिर देन बिम गुरुकुल आया मेरे लाइफ में। फिर वहां से मैंने तो पूरा अपना जॉब छोड़ दिया था, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस जॉब से कि अब नहीं करना है मेरे को, छोड़ छाड़ के बैठ गई मैं। एंड देन उसके बाद फिर रेबिट पे सीखा सर, बहुत अच्छा सीखा, अच्छा प्रैक्टिस किया। सारे प्रोजेक्ट्स, अगेन प्रोजेक्ट्स इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको टूल्स आप सीख लेंगे, आप आर्किटेक्चर टूल्स टूल्स सारे सीख ले रहे हैं, हाँ वॉल है, रेलिंग्स है, ये है, बट क्या आप उसको कैसे यूज करेंगे। सो देन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, डुप्लेक्स, देन फिर अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, देन तो एक्सट्रीम तो हमने पूरा सोसाइटी डिजाइन कर दिया, वो कैपिटल हाइट प्रोजेक्ट। तो छोटे से लेके एंड तक जब आप इतना प्रैक्टिस करें, इनफैक्ट जब अपना पोर्टफोलियो आप जब अपने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको दिखाते हैं, तो वो भी शॉक होते हैं कि हाँ एज ए इनिशियल लेवल पे अगर ये बंदा इतना कर ले रहा है तो वॉट एल्स, मतलब हम इससे और कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको भी एक हो जाता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, इतना काम करा है उसने।
ये बहुत मतलब मेरे इंटरव्यू में भी मतलब मैंने देखा जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत हेल्प हुआ सर उससे मेरे को. एंड देन उसके बाद और क्या सीखा, नेविस वर्क, वो भी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में कि अगर आपको पूरा नहीं भी आता है तो आपको एटलीस्ट इतना पता है कि वो किस लिए काम हो रहा है. वो भी लोगों को लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यू है इसमें, अगर इसको इसके बारे में पता है, शी नो द पाथ कि अभी ये सिखा है आगे ये, तो वो भी बहुत हेल्प करता है. सो एंड देन टेक्ला भी सीखने मिलता है उसमें. टेक्ला में भी बहुत अच्छा करियर सर मैं देख रही हूँ कि उसमें. सो डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विम गुरुकुल में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं उसी में ही आपका है, नहीं, तीन चार सॉफ्टवेयर और तीनों के, दो या तीन है और तीनों में अच्छा करियर ग्रोथ है. तो अगर एक में भी इंसान फोकस करके कर ले रहा है ना, मेरे को लगता है 3 महीने, 3 महीने मोर देन इनफ है. 3 महीने के बाद गारंटी अगर यस आपने अच्छे से किया, जॉब लग ही जाएगी आपकी. करेक्ट। इसमें अगर जैसे बीम में अगर करियर बनाना है तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें इसमें, तो सॉफ्टवेयर में केवल रेविट, नेविस और टेक्ला, ये तीनों ही सफिशियंट है। इन तीनों पर बेहतर मास्टरी कर लिया जाए, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा है स्कैन टू बीम, कैट टू बीआईएम, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बीम में भी आपने देखा होगा कि एलओडीज हैं, 2D, 3D, 5D से लेकर क्वेश्चंस हैं, इन सब का नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि रैबिट तो एट द लास्ट मैं बोलता हूँ, आप यूट्यूब पर मेरे ही बहुत से वीडियोस हैं और भी बहुत लोगों के वीडियोस हैं देख सकते हो, बट रैबिट ही बीम नहीं है, और भी चीज़ें उसके अंदर जाना। और जैसे आपने बोला कैपिटल हाइट, अब G+22 बनाने के बाद वैसे ही इंसान का कॉन्फिडेंस जो है अपने आप अप लेवल पर आ जाता है ना। और मुझे निधि आपका बहुत अच्छा लगा, सिलेक्शन का प्रोसेस जो आपने स्ट्रगल किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आपने अप्लाई कैसे किया सर और अप्लाई, अब कैसे पहले पाया। तो मैं इतना बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत जगह अप्लाई किया सर. मेरे को ऐसा लगता है कि और मैंने इंटरव्यूज भी बहुत दिए, मैंने तीन, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अभी और इतने इंटरव्यू, इतना प्रोसेस के बाद मेरे को 4 जगह से, मतलब हर जगह से सिलेक्शन का था, मेरे को आ गया था. अभी एक दो और है उसका वेट कर रही हूँ, मुझे पता है कि अच्छा गया है वहां भी सिलेक्शन हो जाएगा. सो इनिशियली अप्लाई करना कैसे स्टार्ट किया, गूगल बेस्ट रहता है. आप गूगल पे जाएं, आप अप्लाई, आपको बिम में चाहिए एज अ बिम मॉड्यूलर आर्किटेक्ट, आपको वहां करना है, वहां टाइप करें, वहां पे सारे आ जाता है, उसमें जाके अप्लाई करें. फिर जीमेल, वहां पे कंपनी के बारे में सर्च करें कौन सी कंपनी में अवेलेबल है अभी वैकेंसी है, वहां जाए उस वेबसाइट से एचआर का जो है वो निकाले. सर मेरे को दो कंपनी से, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ इसीलिए ही रिस्पांस आया क्योंकि मैंने एचआर को वहां पे जाके वेबसाइट पे कांटेक्ट किया, वेबसाइट पे अप्लाई किया, जाके जीमेल मेल किया एचआर को, वहां से अप्लाई हुआ. प्लस दूसरा मेरे को जो बहुत ज्यादा जहां से रिस्पॉन्ड मतलब मेरे को आया है वो है लिंक्डइन. लिंक्डइन से मैं मतलब जैसे कंपनी का मैंने सर्च किया, उस कंपनी को लिंक्डइन में जाके सर्च कर रही हूँ, फिर वहां से जो उनके जो वहाँ काम कर रहे हैं उनसे जाके कनेक्ट हुए. मैं लिटरली बात कर रही हूँ सबसे कि वैकेंसी है यहाँ पे, मैंने देखा है कि आप रिफर कर सकते हैं. आप इतने सारे मैसेजेस किए सर, मेरे को लगता है एक ही कंपनी के 10-15 लोगों को मैंने किया है, वहां से एक या दो ही जो रहता है जो आपको रिप्लाई बैक करता है, बट वो एक दो ही के लिए ही हम कर रहे होते हैं, वो एक दो ही सफिशियंट होता है. तो वहां से आया, वो चीज हुआ, वो मेरे को हेल्प किया. देन ये अपना दो वो एप्स होते हैं ना, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, यहाँ भी अप्लाई कर. यू नेवर नो आपको कहाँ से मतलब आ जाएगा कि कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. तो मेरे को तो सब, मैंने सारी चीज जैसे आपने बताया था मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया, मेरे को आया, रिस्पांस भी आया, अच्छा खासा आया. समय लगता और है। हाँ लगता है, ये तो लगता है. मैंने काफी वेट किया, मतलब मेरे को 1 महीना जितना, 15-20 दिन जितना आराम से लगता है वहां से रिप्लाई आने के लिए भी. करेक्ट है। और गाइस ये सारे स्टेप्स हम लोग क्लास में ही सीख लेते हैं जनरली, कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाना है। सबसे पहले तो रिज्यूम ही आपको परफेक्ट नहीं रहता है, आप अप्लाई किए पड़े हो, एमएनसी के पास एटीएस सॉफ्टवेयर है, वो चेक कर रहे हैं आप बाहर हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ तो एडिटिंग, रिज्यूम की एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बनाया भी अच्छा रिज्यूम है। रिज्यूम के साथ पोर्टफोलियो देखो कैसे कॉन्फिडेंस को कितना अच्छा बूस्ट कर देता है ना। तो पोर्टफोलियो आपने देखा होगा ग्रुप में भी, आपके बैच में भी काफ़ी अच्छा अच्छा लोगों ने बनाया था ऑलरेडी, आपने स्ट्रक्चर का भी बनाया था, बीम का भी बनाया था, तो पोर्टफोलियो का बहुत। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्रेशर्स हैं वो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार हम क्या बोलते हैं, हमें किस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहिए। जैसे कि आपने भी जब पास आउट किया होगा तो डेफिनेटली आपने सोचा होगा किस प्रोफाइल में जाएँ, तो उसमें क्या बोलते हैं आपको कैसे क्या बोलते हैं, ठीक है बीम के बारे में तो मेरे तो पता चला, बट स्ट्रक्चर्स का आपने कैसे क्रैक किया था इंटरव्यू, आपको कैसे अवेयरनेस मिला कि स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। सर मैं तो ऐसा कहूंगी, आई एम लाइक आई एम फॉर्चून इनफ कि मेरे को पहला ही अपॉर्चुनिटी एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर का मिला, और वो भी छोटी सी कंपनी थी, तो वहां पे मेरे को दिखाना था कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ. अगर मैं जिसमें अच्छी हूँ वहां से मेरे को मिल जाएगा. तो मैं पहले, मेरे को ऐसा लगता है 9-10 मंथ्स में बिना सैलरी के मैंने काम किया है.
जो कि मतलब हम हेल्प नहीं कर सकते अपने आप को इस चीज में। अगर आपको सैलरी मिल पा रही है बहुत अच्छी बात है, बट मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि वो कोविड टाइम था सर, कोई लेने को रेडी नहीं था और मैं घर पे बैठ के क्या करूँ। मैं गई वहां पे, मैंने कहा कि मेरे को सीखना है, और वहां पे कोई सिखाने वाला भी नहीं था, बट उनको ऐसा था कि काम चाहिए उनको, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको किस में चाहिए। मैंने कहा तुमको क्या चाहिए, मतलब ऑटो कैड चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, मैं आई एम देयर। सो एज अ उनको सिर्फ इतना पता था, ऑटो कैड का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे शीट बन के मिल जाती है, जो मेरे को साइट पे देना है, मेरे साइट पे काम हो जाएगा। उनको कुछ नहीं इतना सब भी मालूम था जो वहाँ के। सो वहां पे मैं गई ऑटो कैड से, फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से ये। सो मैंने एक्सप्लोर किया सर, मेरे को पता चला कि हाँ स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या चीज है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑटो कैड से शीट मिल जाती है, बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। Correct. बच्चों को नहीं पता रहता सर, कॉलेज में नहीं पता, कुछ नहीं पता चलता, पता नहीं क्या ही करते हैं हम लोग कॉलेज में। सो निकलने के बाद फिर एक्सप्लोर किया, देन पता चला, फिर और सीखा मैंने, सीखते सीखते वहां से, मतलब ऐसे 3 साल, 2 साल, 2.5 ईयर्स मैंने वहां पे अपना अच्छा लगाया, अच्छे से सीखा। एंड देन वहां पे भी इंटरव्यूज दिए मैंने, क्लियर हुआ मेरा स्ट्रक्चर में भी, क्लियर हुआ, क्योंकि आप इतना सीख रहे हैं। और रही बात कि करियर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, सो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेके निकल रहे हैं, सो 2 से 3 मेजर करियर्स रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर वन, 2 से 3 मेजर रहते हैं। एक स्ट्रक्चर हो गया, बिम में आप जा रहे हैं, अभी तो बिम इंडिया में कितना अच्छा चल रहा है, उसका कितना अच्छा, मतलब हम अभी कल ही बात कर रहे थे इस बारे में कि कितना अच्छा बिम का है। सो 2-3 है, आप कोई भी एक सेलेक्ट करो, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा है। हाँ, और सीखो, इतना अच्छा सीखो, टाइम दो अपने आप को। मैंने सर खुद अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सैलरी कहाँ अच्छा मिल रहा है, वो सैलरी क्यों नहीं दे रहे मेरे को, ये क्यों नहीं दे रहे, बट इंसान ना अपने नॉलेज पे काम करना भूल जाता है कई बार। सो जब आप पूरा ऐसे झगड़ा कर लेंगे अपने दिमाग में, अपने इसमें कि अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, लेटर ऑन ना यूल गेट टू अ पॉइंट जहां आप रियलाइज करेंगे शायद वो इंसान ने, आज मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, उसने मेरे को नहीं लिया क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। सो यूल इवेंचुअली यूल एंड अप गेनिंग नॉलेज, और जब आप इस प्रोसेस में चले जाते हैं ना नॉलेज गेन करने, तो लोग लेंगे सर, आपको क्यों नहीं लेंगे, जब आप एक ही इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हो उस पे तो लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर जो अभी करंट आपने क्रैक किया, उसमें कौन कौन से राउंड्स हुए थे, कुछ अगर याद हो तो मुझे बताओ और सबको बताओ कि क्या बोलते हैं वहाँ पर क्या क्या राउंड्स हुए थे। हाँ, सो उसमें 3 राउंड हुए थे, पहले दो टेक्निकल राउंड हुए थे और एक टूल टेस्ट हुआ था। सो पहले टेक्निकल राउंड में उन्होंने, अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे से पूरा हिस्ट्री पूछा कि आपने कहाँ क्या काम किया, कैसे किया। सो जो पहले में जैसे रियल एस्टेट, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, दे आर वर्किंग इन लाइक बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो आपको उनका क्वेश्चन था, हाउ डू यू थिंक कि अभी तक आपने जो काम किया है वो हमको हेल्प करेगा। सो उसमें आप कैसे आंसर दे रहे हैं, उस कन्विंस करना है उनको। सो टेक्निकल चीजों को ऐड करते हुए आंसर देना है, ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन मेरे को लगा कि हाउ डू यू थिंक विल हेल्प, आपका नॉलेज हमें कैसे हेल्प करेगा। सो ठीक है, वो एक क्वेश्चन हो गया। एंड देन उन्होंने LODs के बारे में पूछा, डायमेंशंस के, ये जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछते ही पूछते हैं आपसे, जो आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछेंगे मे बी, वो बहुत ही डिटेल में पूछेंगे, लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपसे फिर भी पूछेंगे, यहाँ पर ऐसे आप बता दे रहे एक एक वन वर्ड आंसर दे रहे हैं तो वो चल रहा है। देन आपसे BEP के बारे में पूछा सर, बिम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में पूछा। एंड देन जो मेजर क्वेश्चन मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें सब में जो मेरे से पूछा गया पैरामीटर्स के बारे में, कितने टाइप के पैरामीटर्स हैं, और उस पैरामीटर्स में भी प्रोजेक्ट पैरामीटर और शेयर्ड पैरामीटर कि इन ये दोनों है, दोनों में क्या डिफरेंस है, शेयर पैरामीटर का क्या मतलब, कौन से फाइल में रहता है वो, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है वो, चीज पूछा इस बारे में पूछा। देन फैमिली पैरामीटर्स के बारे में पूछा, देन फैमिली क्रिएशन पूछा, तीन इंटरव्यू में से फैमिली क्रिएशन के बारे में पूछा है और अच्छे लेवल पे पूछा है। और एक ने तो टूल टेस्ट में मेरे को फैमिली क्रिएशन करने को दिया कि करके दिखाओ भाई तुम हमको, ये चीज दिया। हाँ, और फिर ये दो राउंड हुए, दो में एक ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे मेरे बैकग्राउंड रिलेटेड, क्या किया, कौन कौन सी चीजें यूज करी। हाँ, एक सेंट्रल फाइव के बारे में पूछा, वर्क सेट्स के बारे में पूछा। पूछा कि ये सिर्फ पढ़ के तो नहीं बोल रही कि कहाँ काम किया है, क्या मतलब उसका क्यों होता है वो यूज, पूरा डेप्थ में पूछा उस बारे में। फिर स्टेप्स पूछ लिए, स्टेप्स तो यूजली इंसान एक सर्च में, गूगल सर्च में मिल जाता है, तो वो सर्च में और आपने एक्चुअली में वर्क किया उसमें डिफरेंस कैसे, मतलब वो कैसे पता करेंगे, वो पूरा एकदम अच्छे से पूछा। एंड देन टेक्निकल में जो आपका एक वो PDF है, वो इंटरव्यू उसके सर, वो अगर आप पढ़ लेना, और सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है उसको, इन डेप्थ जाके पढ़ना, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा वो चीज, उसमें
हाँ चलो एक बार पढ़ लिया, लेकिन ना उसमें छोटे छोटे जो हम वर्ड्स को इग्नोर करते हैं वो सर क्वेश्चन, एक ना उसमें एक था मॉनिटर शेयर कुछ ऐसे, मॉनिटर हाँ सर, कॉपी मॉनिटर, कॉपी मॉनिटर, वो मैंने इग्नोर किया कि वो तो क्या हो। सर नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, मेरे से वही क्वेश्चन पूछा, वही मेरे को ऐसे क्वेश्चन। पता कि सर के पेपर में लिखा है पर मैंने पढ़ा नहीं है, तो आके ही मैंने वो चीज पढ़ी, फिर वो मेरे को पता चला हाँ एक्चुअली में इम्पोर्टेंट। तो उस पेपर में 8-11 पेज का पीडीएफ है, ग्यारह वो पेज एक एक चीज इम्पोर्टेंट है उसमें, यस वो अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सफिशियंट है, यस एक साल के एक्सपीरियंस के लिए वो सफिशियंट है। फिर उसके अदर देन एक डिजाइन टूल, डिजाइन ऑप्शन करके एक चीज है, हाँ एक वो रहता है कि उसमें वो भी मेरे से पूछा गया था डिजाइन टूल, और एक दो चीज और पूछी थी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, पर डिजाइन टूल एक जो था वो पूछा था और अच्छे से इन डेप्थ में पूछा था, लकीली मैंने प्रिपेयर कर रखा था प्रिपेयर अपने करें आप को, तो वो हुआ। और टूल टेस्ट में फिर जो तीसरा राउंड था, 2 राउंड क्लियर हुए, उनको लगा कि हाँ भाई आता है इसको, तो थर्ड राउंड में मैं गई। थर्ड राउंड टूल टेस्ट में उन्होंने मेरे को एक स्ट्रक्चर फाइल दिया, ऑटोकैड में दिया, बोला कि ये है, और बड़ा था वो तो, मतलब मेरे को सीधा अपार्टमेंट का कुछ प्लान था, और उन्होंने मेरे को बोला कि पूरा वॉल क्रिएट करो, विंडोज लगाओ, और डिटेल में उसको वो करो, मतलब यहाँ से यहाँ डिफाइन तक कितना डिस्टेंस है, सो एक प्लान क्रिएट करो और एक सेक्शन क्रिएट करो, सेक्शन क्रिएट करके उसका डिटेल ये दिखाओ। हाँ डिटेल दिखाओ, तो ये चीज मेरे को बोला था, तो मैंने कर दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड देन उसके और बाद प्राउडली गाइस बता दें आपको, गुरुकुल प्रोग्राम में ये सब कुछ होता है ऑलरेडी, हाँ क्योंकि जो आपने टेस्ट दिया है वो टेस्ट भी मैं ऑलरेडी कैट टेस्ट में दे चुका हूँ। फैमिली का टेस्ट भी मैंने दिया था, कि फुटिंग का टेस्ट और जो कंपोनेंट्स थे उनके टेस्ट भी ऑलरेडी, वो सारे क्वेश्चंस देखो ठीक से थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिया जाए इसके अंदर भी, तो आराम से इंटरव्यू अब आपको लगने लगा होगा कि हाँ आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अब आइडिया लग गया ना। जैसे बोला कॉपी मॉनिटर या फिर और भी जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पैरामीटर्स या फिर फैमिलीज, तो रिपीट तो हो रही हैं, बट क्या होता है हमारा फोकस नहीं होता ना, हम एक लय में तैयारी नहीं करते। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, तो 1 महीने की तैयारी पर्याप्त है। बट ठीक है, आप अभी फ्रेशर हो तो आपके लिए 2 से 3 महीना लग जाएगा एंट्री करने में, और उसके बाद तो आप आराम से एंट्री कर सकते हो। देखो ये तो हो गया मॉडलिंग प्रोफाइल, अभी आपको भी क्या करना है और भी सीखना है ना। तो अभी नहीं, हम लोग भी इसके अंदर एक प्लान लेके आ रहे हैं, मतलब कि एडवांस BIM करके, ठीक है। एडवांस BIM में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एडवांस जैसे कि पाइथन को लेके आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसकी क्योंकि कैसे होता है कि अभी आप मॉडलिंग क्रैक कर लिए, मॉडलर बन जाओगे, इसके थ्रू आप बीम इंजीनियर भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बीम इंजीनियर, बीम मॉडलर और बीम आर्किटेक्ट भी अपने स्टूडेंट्स बन रहे हैं, बट आगे आपको कोऑर्डिनेटर बनना है, मैनेजर बनना है, या फिर उससे भी ऊपर के प्रोफाइल्स पर आपको एंट्री करना है, तो यू नीड टू नो अपग्रेड योर सेल्फ। तो अभी हम लोग पाइथन को भी लेके आ रहे हैं, और भी जैसे माइक्रोस्ट्रक्चर कोडिंग, API कोडिंग्स होती हैं, वो सब लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको ये पता है, जैसे स्कैन टू बीम पर और भी डेप्थ में, जैसे कि स्कैन टू बीम MEP पर स्कैन टू बीम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एडवांस BIM डेफिनेटली आप लोग साथ बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे उसको। बट आपको भी ये सोचना है कि ये तो चलो मिल गया, इस पर हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो आपको लगेगा मेहनत, आप काम करने लगोगे, बट नेक्स्ट का भी प्लान करना है कि हाउ कैन वी गेट मोर। सपोज अभी आपने लगभग 7 लाख के आसपास आपने पैकेज गेन कर लिया, नाउ योर टारगेट शुड बी 10, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अभी आपको बताऊँ तो बी में ही क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर कंपनी, ठीक है कंपनी बता देता हूँ, वी कंस्ट्रक्ट में सी इज गेटिंग मोर देन 15 लाख पैकेज एक्सपीरियंस है, कितने साल एक्सपीरियंस? 4 ईयर। ओह बट उसकी बस एक पाथ था, एक पाथ से गई, सी इज नॉट लाइक ए डाइवर्सिटी नहीं थी प्रोफाइल में, एक ही प्रोफाइल में एंट्री करके उसमें डेप्थ करते गए, सी इज गेटिंग दैट मच, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा लोग पाए हुए हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ कि जस्ट जो उन्होंने एक प्रोफाइल को डेप्थ में समझा है ना, एडवांस BIM की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी वो बहुत हाई आगे निकल रहे हैं। और डेफिनेटली आप भी अभी कैसे कि आपने भी एंट्री किया है, और आप लास्ट टाइम मुझे बोला था कि मैंने आपको बाई फोर्स बोला था कि अगर पैकेज लेना है तो बीम में एंट्री करो, बोला था ये, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला कि यू सेड कि सर हाउ कैन आई गेट मोर पैकेज, आई एम गेटिंग दिस मच ओनली, तो अप्रॉक्स इसका हाफ आप पा रहे थे जब आप बात कर रहे थे इसके बारे में। तो मैंने बोला था कि बीम एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर पैसे अच्छे हैं, और अभी तो आप रैमबॉल वगैरह में अगर इंटरव्यू क्रैक करोगे, या फिर AECOM, ठीक है, और एटकिंस, अभी आज सुबह एक बच्चे का देखा तो वो एटकिंस में सेलेक्ट हुई है, तो सी इज गेटिंग वेरी गुड, तो बहुत जल्दी उनके साथ देखो। तो ये ना हमें एडवांस के तरफ पे सीखना है, और डेफिनेटली अगर जो सी कंटिन्यू लर्निंग पर है उसका ग्रोथ तो आपके सामने है, आपका खुद का भी ग्रोथ क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने कंटिन्यू स्ट्रक्चर सीखा, फिर भले ऑटोकैड सीखा, नाउ यू वर्किंग ऑन दैट। अब आपको जैसे भी टेक्ला, आपके लिए अभी थोड़ा सा आपको टेक्ला पर वर्क करना है, नेविसवर्क पे अभी कंपनी में काम करोगे, है ना, तो थोड़ा डेप्थ, जितना डेप्थ जाओगे ना उतना आपको पैकेजेस गेन होंगे। डेफिनेटली गाइस आप लोग को
कुछ सीखने को मिला होगा निधि से। और निधि, मैं चाहता हूँ आपको कुछ मैसेज देना चाहती हो अपने जूनियर्स को, तो डेफिनेटली यू कैन डू द मैसेज सो दैट कि उनको आइडिया लगे कि हाँ, कुछ भी मैसेज आप देना चाहते हो बीम के बारे में, जो भी आपका मन करे आप बता सकते हो लोगों को। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही शेयर करना चाहती हूँ कि ना, आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा मॉक टेस्ट देने में, आपको डर लगेगा टूल टेस्ट देने में। मैं भी बहुत भागी हूँ, मैं सर 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 मैसेज करते सब लोग आओ, सब लोग आओ। मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ पढ़ा नहीं है, क्या जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन चले जाओ। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे आप फेमिलियर होंगे, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपके दिमाग में आएगा, हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा था, फिर ये आ रहा है। धीरे धीरे डर डर ठीक है, डर सबको लगता है, नॉर्मल है, और बस सीखो, प्रैक्टिस करो। एक 2 से 3 घंटे आप दिन का निकाल लो, हाँ मेरे को देना है इतना। अभी आप कंप्यूटर के आगे बस बैठे रहो, फर्क नहीं पड़ता, बट फेस करो उसको। सो बस यही है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, आराम से मेहनत करो बस। और समय तो देना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा शेड्यूल है। तो अभी देखो, सवाल सी बात है कि अब 9 to 6 तो आप जॉब कर ही रहे हो, है ना, करंट प्रोफाइल में, या फिर 7 हो ही जा रहा है, बट एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का वर्ड, ट्रेनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब हार्ड, है ना। अगर आप ट्रेनिंग करो, किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग करो, तो ट्रेनिंग मतलब हार्ड हो गया ना, सॉफ्ट तरीके से हो गया, तो उसको ट्रेनिंग थोड़ी बोलेंगे, रिलैक्स उसको बोलेंगे ना, रिलैक्स हो रहा है ऐसा। तो ट्रेनिंग में आपको अपने आप को, जैसे आपने बोला ना कि जबरदस्ती आपको मॉक अटेंड करना पड़ेगा, डर लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे, बट यही सारे लोग सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि और जैसे आपको लग रहा है कि हम प्रिपेयर नहीं है, बिलीव करो, कोई भी, चाहे आपने जितने पेपर्स दिए होंगे, याद करो, किसी में ये नहीं लगा हो कि मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ, है ना। बस ऐसा लगा कि यार ये तो छूट गया, यार ये तो छूट गया, बट ये जब आप दे लेते हो तो लगता है यार हो तो गया लगभग काम भर का, है ना। तो ऐसे ही अपने मॉक इंटरव्यूज भी डेफिनेटली जो बच्चे कंटिन्यू अच्छे से दे रहे हैं, मैंने यही देखा अब तक, मेरा ये अनुभव रहा है कि 80% से ज़्यादा जिन्होंने भी मॉक अटेंड किए, टेस्ट जो होते हैं अटेंड किए, नाउ दे आर वर्किंग इन ऑल गुड कंपनीज। आज मैं सुबह से यही देख रहा था कौन कौन कहाँ कहाँ पर वर्किंग है, तो मैं मैसेज करके पूछ रहा था लोगों, सब लोग बता रहे हैं सर मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि लगभग हर एक कंपनी कवर हो जा रही है जहाँ पर हम सब पहुँच चुके हैं। डेफिनेटली इतना समय नहीं मिल पाता कि सबसे चैट हो पाए, बट ये जरूर आइडिया रहता है कि हाँ, कोई कंपनी का नाम अगर लिंक्डइन पर डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने यूनिसेल प्लेटफॉर्म का नाम उसमें आएगा। थैंक यू सो मच निधि, आपने समय दिया सबसे पहले उसके लिए, और डेफिनेटली लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कैसे आपका और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये जरूर बोलूँगा कि आप, जैसे कि इन्होंने अपने स्ट्रक्चर से कैट से फिर बी में एंट्री किया, तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं साइट पर हूँ, मैं करियर मेरा शिफ्ट हो जाएगा क्या। डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट नहीं कर रहे हो आप, उसी इंडस्ट्री को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना। तो कई कभी कभी ऐसा लगता है ना इंसान को, हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है ना, जब आप भी स्ट्रक्चर में या फिर जब कैड में आपने काम किया होगा, तो जब कंपनी ने परेशान किया होगा तभी लगा होगा कुछ नया किया जाए। और जब लगता है सॉफ्ट तरीके से चल रहा है, महीने की सैलरी आ रही है, कुछ पैसे बच जा रहे हैं, जिसके पास एक वो नहीं है भूख कि बड़ा करना है, उसके लिए तो बड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि क्वांटिटी सर्वे वगैरह में काम करते हैं, ऐसे प्रोफाइल्स में जिसमें बड़ा एस्टिमेशन में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अरे रिलैक्स चल रहा है, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, उनको लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, बट ये बहुत अच्छा नहीं है, यू नीड टू डू समथिंग बिगर। ठीक है, थैंक यू सो मच निधि, आप बड़ा करें, जितना बेहतर से बेहतर हो सके अपने लाइफ में करें। नेक्स्ट आपका पॉडकास्ट हम करेंगे, 10 लाख का पैकेज आप जब टॉप कर लेंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे, तब हम लोग उसको करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।